गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन दिस इज मी शाइनी। और आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे आप खुद से अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं, वो भी फेशियल रेजर को इस्तेमाल करके। सो, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट के बिना मेरे आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फेशियल रेजर इस्तेमाल करने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका स्किन बिल्कुल भी ड्राई होना चाहिए, कुछ भी मॉइस्चर एक्सटर्नल मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अगर पसीना है तो उसे भी आप रिमूव कर दीजिए और हो सके तो थोड़ा सा पाउडर या फिर लूज पाउडर आप जहाँ जिस एरिया पर आप फेशियल हेयर रिमूव करेंगे उस एरिया पर आप अप्लाई कर दीजिए, कुछ भी लूज पाउडर या नॉर्मल सा कुछ पाउडर। तो इससे क्या होगा, फेस बिल्कुल ड्राई रहेगा। अगर आपके फेस में मॉइस्चर होता है तो बैक्टीरिया का ग्रोथ होना मतलब हो सकता है, बैक्टीरिया का ग्रोथ। दैट्स वाई अपने फेस को हमेशा ड्राई रखें, उसी टाइम आप अपने फेस को शेव करें और शेविंग के बाद अपने फेस को वॉश कर लीजिए। हो सके तो स्क्रबिंग कीजिए फेशियल रेजर इस्तेमाल करने के बाद, क्योंकि स्क्रबिंग करने पर आपके जो इनग्रोन हेयर्स है या फिर जो छोटे छोटे हेयर्स है वो भी रिमूव हो जाता है और उतना ज्यादा इनग्रोन हेयर्स का प्रॉब्लम भी नहीं होता। एंड उसके बाद अपने फेस पर एलोवेरा जेल या फिर कोई भी जेल इस्तेमाल कीजिए या फिर मॉइस्चराइज कीजिए अपने फेस को। ज्यादातर मैं जेल्स प्रेफर करूंगी क्योंकि एलोवेरा जेल क्या करता है, आपकी स्किन को हील करता है, सूद करता है। दैट्स वाई फेशियल हेयर को रिमूव करने का उतना ज्यादा जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं, अगर आप कंफर्टेबल है उसे रिमूव करने में तो आप जरूर रिमूव कर सकते हैं। और फेशियल रेजर इस्तेमाल करना बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि वो अफोर्डेबल है फर्स्ट ऑफ ऑल और पेनलेस है, मतलब कोई दर्द नहीं होता। अगर आप वैक्सिंग थ्रेडिंग लेजर कुछ भी करते हैं तो पेन रहता है, कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन फेशियल रेजर इस्तेमाल करने से बहुत अफोर्डेबल होता है और बिल्कुल भी पेन नहीं होता। ज्यादातर लड़कियों का यही डर रहता है कि फेशियल रेजर इस्तेमाल करने पर क्या हमारे दाढ़ी निकल आएंगे या फिर कुछ रफ स्किन होगा या फिर इनग्रोन हेयर का प्रॉब्लम होगा, तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सही तरीके से फेशियल हेयर को रिमूव करें, ज्यादातर हम लोग रेजर जब इस्तेमाल करते हैं तो बालों के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में उसे चलाते हैं। फेशियल हेयर रिमूव करने के टाइम आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको जिस डायरेक्शन में आपके बाल है उसी डायरेक्शन में आपको रेजर को चलाना है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं चलाना है। उसी डायरेक्शन में चलाते चलाते फेशियल हेयर को रिमूव करना है क्योंकि उस डायरेक्शन में चलाने पर आपको जो इनग्रोन हेयर का प्रॉब्लम है वो नहीं होगा और डेफिनेटली जो रफ स्किन होता है वो भी नहीं होता है। और ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि बाल मोटे हो जाएंगे और ज्यादा ग्रोथ हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं है। डेफिनेटली अगर आप थ्रेडिंग करते हैं तो 15 डेज के बाद शायद आपके इनग्रोन हेयर का प्रॉब्लम होता है, वो शायद 7 डेज के बाद या फिर 8 डेज के बाद वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो 8 to 7 डेज के बाद आपको फिर से शेव करना पड़ेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सिर्फ अपने अपर और लोअर लिप्स पर और अपने आईब्रोज के साइड और फोरहेड पर पहले उसे इस्तेमाल करें और उसके बाद ही आप अपने चीक्स पर जाएं। मैं ज्यादातर रेकमेंड नहीं करूंगी चीक्स के हेयर को रिमूव करने का, लेकिन इट डिपेंड्स टोटली ऑन योर हेयर टाइप। अगर आपकी हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा है तो शायद आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है फेशियल रेजर से, शायद आपका ग्रोथ और भी बढ़ भी सकता है। सो अगर आपको ऐसा कुछ डर है तो आप एक बार पैच टेस्ट जरूर करो। मैंने भी पैच टेस्ट किया है, हालांकि मेरी उतना ज्यादा हेयर ग्रोथ नहीं है, तो मैंने यहाँ पर पैच टेस्ट करने के लिए आपका बेस्ट रीजन है ये वाला। सो यहाँ पर आपको थोड़ा सा रेजर को चलाना है, जस्ट थोड़ा सा, दिस साइड भी कीजिए और दिस साइड भी कीजिए, थोड़ा सा चलाइए, थोड़ा सा बाल यहाँ से आप शेव कीजिए, थोड़ा सा ही, और 24 to 40 आवर्स तक आप वेट कीजिए। आप 7 डेज तक भी वेट कर सकते हैं ये देखने के लिए कि इनग्रोन हेयर्स का प्रॉब्लम आपको कितने दिन बाद होता है। अगर आपको इसमें रेजर चलाने के बाद कुछ ब्रेकआउट्स का प्रॉब्लम हुआ है या फिर अगर आपको कुछ इनग्रोन हेयर्स का प्रॉब्लम हो रहा है या फिर इस एरिया पर बालों की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है, तो आप फेशियल रेजर बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। आप थ्रेडिंग कर लीजिए और ठीक ठाक कर लीजिए सब कुछ, लेकिन इतना ऐसा कुछ होता नहीं है जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है। फिर भी आप एक बार पैच टेस्ट करें तो बेटर होगा क्योंकि हर किसी का स्किन टाइप हर किसी का हेयर टाइप डिफरेंट होता है। दैट्स वाई मैं हमेशा पैच टेस्ट को रेकमेंड करूंगी पहले। तो आप 48 आवर्स या फिर 2 to 3 डेज, क्योंकि ये फेस का मामला है तो 2 to 3 डेज तक आप वेट कीजिए। अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो उसके बाद आप बिल्कुल फेशियल रेजर इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर भी फेस के एरिया जहां पर भी आप चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आईब्रोज पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि आईब्रोज बहुत सेंसिटिव
सेंसिटिव एरिया है, अगर यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा चूक हो गया तो बस पूरा लुक ही चेंज हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल था। अगर ऐसे ही वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा है उसे जरूर दबाइए, वो बिल्कुल फ्री है। उसके पास जो छोटा सा बेल आइकन है उसे भी हिट कीजिए, क्योंकि मैं हर रोज वीडियोस लाती हूँ, तो आप जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे स्टाइलिश एंड बाय बाय।